मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़िया हो गए हैं। इनका जन्म भी यहीं हुआ और अपनी इस जन्मभूमि पर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का किया अद्भुत कर्म हर किसी को चमत्कृत कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में जिस जंगल में राजाराम त्रिपाठी घूम रहे हैं, ये उनका खुद का तैयार किया हुआ है। ये पूरे क्षेत्र का एरिया जो एरिया है 24 एकड़ का है, इस पर हमने लगभग 98-99 से प्लांटेशन का काम शुरू किया और यहाँ पर जो जड़ी बूटियों का है उसमें मुख्य रूप से सफ़ेद मूसली, स्टीविया, काली मिर्च, हल्दी और भी जितनी तरह के सर्पगंधा, सतावर, बच, कुछ एरिया में वो सभी चीज़ें प्लांटिंग की गई हैं। राजाराम त्रिपाठी जैसे जैसे अपने तैयार किए जंगल की कहानी बताते गए, हमें राजाराम जैसे धरती पुत्रों की काबिलियत का एहसास गहरे तक होने लगा था। चीटियां आपको चलती हुई दिख रही है? पेड़ जो है ये भी लाल लाल चीटी भी है, छोटी काली चीटी देखी आपने और बड़ी काली चीटी। 24 एकड़ के जंगल में 26 प्रकार की लगभग विलुप्त प्राय औषधियों की खेती होती है और ये जंगल मां दंतेश्वरी हर्बल समूह की 1100 एकड़ में फैली उन परियोजनाओं का एक हिस्सा भर है। बस्तर में करीबन 400 के आसपास किसान जुड़े हुए हैं और सभी किसान मतलब हर्बल की खेती करते हैं। काली मिर्च का कर रहे हैं और अश्वगंधा कर रहे हैं, मुस्कदाना कर रहे हैं, केवाच कर रहे हैं और अभी और भी कुछ कुछ हर्बल की खेती कर रहे हैं। खाद या कीटनाशकों की बात तो छोड़िए, इन जंगलनुमा खेतों में सामान्य गुड़ाई गुड़ाई तक नहीं होती, क्योंकि समूह के किसानों का मानना है कि कुदरत ने जिस भी पेड़ के साथ जो पौधा खड़ा किया है वो दरअसल एक दूसरे के दोस्त हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे लगभग 26 प्रकार की वनौषधियों की खेती हो रही है और ज़्यादातर वही वनौषधियाँ हैं जो वर्तमान में विलुप्त प्राय हैं या रेड डाटा बुक में खतरे में है जिनका अस्तित्व। तो जिस तरह से आपने देखा, ज्योतिषमती है, सफ़ेद मूसली की एक वैरायटी है, हिरन तूतिया है, सर्पगंधा है और पेड़ों पर पे आप देखिएगा काली मिर्च, गिलोय, गुड़मार चढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पद्धति अपनाई है कि जिस तरह से प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर लताएं चढ़ती थी और उनके नीचे झाड़ियाँ होती थी और उनके नीचे कंद वाली फसल में। प्रकृति की इतनी शानदार समझ की वजह से डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने बिना किसी लागत वाली खेती को विचार कर पाल पोस कर बड़ा कर दिया। इस खेती के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब जंगल से ही मिल रहा है। एक ही जगह पर राजाराम कई तरह की खेती कर रहे हैं, खेती भी ऐसी कि लाखों की कमाई। जैसे आप देख रहे हैं काली मिर्च की फसल मेरी तैयार है, बगल में काली मिर्च की फसल है, इसको भी एक बार लगाया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इधर देख रहे हैं आप हल्दी की फसल, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, 2 महीने में मेरी ये क्रॉप तैयार हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्रॉप जो है ये लकड़ी की, जो बम्पर क्रॉप कभी हमें देगी, हमारा फिक्स डिपॉजिट है। तो मैं अपने बैंक के बचत खाता, करंट अकाउंट जो लगातार मिलता है एंड फिक्स डिपॉजिट, तीनों के साथ खड़ा हूँ। और एक एकड़ में मेरा लक्ष्य ये है कि कम से कम 3-4 लाख रुपया हमें बचना ही चाहिए, तभी हम खेती को जारी रख सकते हैं। पशु प्रकृति के तालमेल से राजाराम के इस जंगल में रामराज जैसा है। यहाँ सब कुछ एक दूसरे के लिए पूरक की तरह काम कर रहे हैं। गाय का गोबर और पत्तियां ही यहाँ खाद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। बूढ़ी गायों को हम लोग रखते हैं, तो बस्तर में हमारे 10 फार्म हैं और उनमें कुल मिला के 430 गायें हैं, बूढ़ी गायें। और हालांकि पिछले कालांतर में इन गायों के बछड़े भी हुए तो अब बढ़ती जा रही संख्या। उन गायों का गोबर और गौमूत्र दोनों हम उपयोग करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें गौमूत्र रखा जाता है और गौमूत्र में 5 प्रकार के जो पत्तियां हैं जो कीटनाशक के गुण जिसमें पाए जाते हैं, जैसे कनेर है, सीताफल है, आंख है यानी जिसे मदार भी कहते हैं, और इसके अलावा नीम है, करंज है,
इनकी पत्तियों को इसमें डाल के रखते हैं, लगभग 20-25 दिनों तक हम सड़ाते हैं। प्रकृति को राजाराम ने इस कदर आत्मसात कर लिया है कि उन्होंने ये खोज कर ली कि दीमक दरअसल पेड़ पौधों के दुश्मन नहीं, उनके दोस्त हैं। इसलिए इस जंगल में दीमक की बड़ी बड़ी बांबियों के बीच में हरे भरे पौधे नजर आते हैं और राजाराम इन बांबियों को देखकर तनाव में आने की बजाय ज्यादा खुश नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये करीब 7-8 साल पहले लगाया हुआ है और दीमक के बांबी पे ही हमने लगाया इसको और ये भली भांति उग रहा है। आप काली मिर्च को देख सकते हैं, आधा हिस्सा काली मिर्च का दीमक के बांबी के अंदर है। अगर दीमक खा रहे होते तो पौधा कैसे जिंदा रहता। और करीब ये 12 साल पुराना दिखेगा। इमली के पेड़ भी लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हैं, आप देखिएगा ज्योतिष्पति लगी हुई है और पूरे के पूरे पौधे स्वस्थ हैं, फल फूल रहे हैं, एक भी पेड़ को दीमक ने नहीं मारा है। और बिना किसी अपराध के हम लोग इन दीमकों को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। वास्तव में दीमक जितने भी हमारे बायोवेस्ट हैं, चाहे घास पात लकड़ी पत्तियाँ, इन सबको आप देखिए, इनको खा के 24 घंटे में ही मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ ही इन पेड़ों को देखिए, पेड़ों की जो मृत ऊतक हैं, डेड सेल्स हैं, और उनको ये खा के पेड़ों को सांस लेने के लिए रिजिनुएट करते हैं। पौराणिक कहानियों में ये सुनने को मिलता है कि किसी पत्ते के लगा लेने भर से किसी भी तरह का घाव भर जाता है, लेकिन इस जंगल में एक ऐसा पौधा भी है जिसकी पत्तियां किसी भी तरह के घाव के लिए संजीवनी से कम नहीं। देख रहे हैं, ये वृद्ध दारुक औषधि पौधा है और हमारे बस्तर में आदिवासी भाई इसे हजारों साल से प्रयोग करते आ रहे हैं। विशेषकर ये जो फोड़े फुंसियाँ होते हैं, तो इस पत्ते को अगर दबाना है फोड़े फुंसी को, तो चिकने भाग को रख के पट्टी बांधी जाती थी, फोड़ा फुंसी दब जाता था। और यदि कोई बड़ा फोड़ा है, उसको ऑपरेट करना है या उसको फोड़ना है, तो नीचे वाले हिस्से से खुरदरे हिस्से को रख के बांध देते थे। इसके अलावा किसी तरह के एक घाव हथियार से या चोट लग जाने पर इसके पंचांग को कूट के बकरी के दूध के साथ लेप किया जाता था और आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही कम समय में घाव भर जाते थे। शहरों में रहने वालों को मिठाई से लेकर हर तरह की रंगीन खाने वाली चीजों में इस बात का डर बना रहता है कि वो रंग खाने लायक है या नहीं। इस जंगल में केसर का एक बेहद सस्ता विकल्प भी मौजूद है और ऐसा रंग है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी खाने के लिए पूरी तरह से सही बताया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल इसका वनस्पतिक नाम एनाटोबिक्सा है और बोलचाल की भाषा में हम इसे सिंदूरी कहते हैं। और ये पौधा कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अगर पाएंगे, अभी ये तो कच्चा है, इसके अंदर बीज जो होते हैं उसमें लाल कलर निकलता है इस तरह का। और ये जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एडिबल कलर के रूप में मान्यता दी है। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह की शुरुआत 1996 में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने की थी, लेकिन करीब एक दशक तक हर्बल खेती में तरह तरह के प्रयोग करने के बाद डॉक्टर त्रिपाठी को समझ में आ गया कि एक किसान को खेती की मुश्किलों से पार पाना तो फिर भी आसान है, लेकिन बाजार की कठिनाइयों से निपट पाना वाकई जानलेवा है। इसलिए 2005 में डॉक्टर त्रिपाठी ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या चैम्फ की शुरुआत की। बस्तर के 400 किसानों का यह प्रगतिशील समूह पिछले 8 सालों से ये प्रोसेसिंग सेंटर चला रहा है, लेकिन समूह को अपना ब्रांड लॉन्च करने की हिम्मत अब जाकर पड़ी है, यानी अगले कुछ दिनों में समूह अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है। ये कहानी जहां एक ओर छोटे किसानों की चुनौती बताता है, वहीं उनके लिए अवसरों का भी बखान करता है। डॉक्टर त्रिपाठी की माने तो आंशिक या पूर्ण रूप से हर्बल खेती करने वाले करीब 60,000 किसानों में से एक तिहाई आज चैम्फ के सदस्य हैं और इनका विस्तार करीब 12 राज्यों में है। संगठन की वजह से किसानों को हर्बल उत्पादों की बेहतर कीमत मिल रही है। डॉक्टर राजाराम किसानों के उत्पाद और बाजार के बीच में बिचौलिया नहीं बने, किसान को सीधे बाजार तक पहुंचाया, जिससे 2007-08 में जहां चैम्फ ने 200 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं पिछले साल 2014-15 में ये आंकड़ा घटकर 3.7 करोड़ रुपए रह गया। यहीं जंगल परिसर के बीचों बीच एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसमें दूर दराज से आए किसानों को हर्बल खेती के गुर सिखाए जाते हैं।
गैर परंपरागत तरीके से की जा रही ये खेती तमाम परंपरागत मान्यताओं को ध्वस्त कर रही है। चाहे दीमक की बाम्बी पर लगाए गए छोटे से पौधे का बढ़कर दरख्त होना हो या फिर रासायनिक खादों और कीटनाशकों को बाय बाय कहने का, इसे एक छोटी मोटी कृषि क्रांति कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंडी.com के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।